डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों के लिए अब प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान, बहुत तेज हुई हैं। और गांवों में तो ये सब अब अपने घर के पास सीएससी सेंटर में भी हो रहा है। आज भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। आज भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। आज हर भारतवासी अपने अधिकारों को हासिल करके सशक्त बन रहा है। आज भारत सूचना क्रांति के क्षेत्र में महाशक्ति बन चुका है और ये सब डिजिटल इंडिया अभियान के कारण संभव हो सका, जिसकी शुरुआत साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हुआ। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य समाज के पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन, महिला और खासकर वंचित वर्गों को डिजिटली सशक्त करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। डिजिटल इंडिया के इस सपने को साकार करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी का दायरा बढ़ाया गया। हर लंबी यात्रा की शुरुआत पहले कदम से ही होती है। साल 2014 में जहां सीएससी के केवल 83,950 सेंटर्स थे, वहीं आज ये 4,00,000 से भी अधिक केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क बन चुका है। और इस दौरान सीएससी ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सफलता से भरी इस कहानी की शुरुआत साल 2014 में शुरू होती है, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन की शुरुआत की। इसका मकसद देश के नागरिकों को डिजिटली रूप से शिक्षित करना था। सीएससी ने मार्च 2016 तक आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स और अधिकृत राशन डीलर सहित 60,00,000 से भी अधिक उम्मीदवारों को डिजिटल ट्रेनिंग दी। साल 2016 में सीएससी AEPS डिजिटल पेमेंट की सुविधा लेकर आई। इसके तहत अब तक 24 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। ये भुगतान मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की दिव्यांग और वृद्धजन पेंशन संबंधी है। साल 2017 में सीएससी ने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की। इसके तहत अब तक 4 करोड़ से भी अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। सीएससी ने देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों, खासकर समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों को कानूनी सलाह और सहायता का प्रावधान दिलवाने के लिए साल 2017 में टेली लॉ योजना उपलब्ध करवाई। टेली लॉ स्कीम के तहत अब तक 12,00,000 से अधिक केस रजिस्टर किए गए हैं। इसके तहत लोगों की न्याय पाने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। देश के नागरिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने पीएम योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना आदि के माध्यम से कई तरह की पहल की है। सीएससी इन योजनाओं को सीधे पात्र नागरिक तक पहुंचाने में हर संभव मदद कर रही है। साल 2019 में सीएससी ने 7वें इकोनॉमिक सेंसस का संचालन किया। देश में पहली बार किसी सर्वेक्षण को मोबाइल ऐप पर उतारा गया। इसके तहत 40,29,00,000 परिवारों और एस्टैब्लिशमेंट्स का सर्वे किया जा चुका है। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान सीएससी देश के नागरिकों के लिए ग्रामीण ई स्टोर मोबाइल ऐप की सौगात लेकर आए। इसके माध्यम से नागरिकों को अपने सामान की डिलीवरी सीधे उनके घर पर मिलना आसान हुआ। इन ई स्टोर्स पर अब घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन आदि भी उपलब्ध हैं। अब तक इन ई स्टोर्स के जरिए 37,00,000 से ज्यादा ऑर्डर्स रिसीव हुए। इससे 405 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस हुआ। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए देश में पहली बार सरकार एक राष्ट्रीय डेटाबेस बना रही है। साल 2021 में सीएससी ने ई श्रम पोर्टल के तहत
असंगठित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया और महज 3.5 महीने में ही 7 करोड़ से भी ज्यादा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कर दिखाया। इतना ही नहीं, देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान मानधन योजना आदि का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए भी सीएससी अपनी सेवाएं दे रही है। ये तो कुछ चुनिंदा उपलब्धियां हैं। इसके साथ साथ सीएससी देश के दूर दराज के इलाकों और गांव में ऑडियो वीडियो कॉल पर मेडिकल कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन की सुविधा दे रही है। सीएससी सेंटर्स के माध्यम से देश के लाखों लोग आज आईआरसीटीसी की टिकटिंग सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं। इस तरह बिजनेस टू कंज्यूमर सेवाएं हो या बैंकिंग, इंश्योरेंस या पेंशन सर्विसेज, हेल्थ हो या विभिन्न एजुकेशनल कोर्सेज, आधार सेवाएं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स या एग्रीकल्चरल सर्विसेज, सीएससी इन सभी सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर है। कॉमन सर्विस सेंटर्स आर अ मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ आर गवर्नमेंट। इट इज अ पैन इंडिया नेटवर्क केटरिंग टू रीजनल, ज्योग्राफिक, linguistic and culturally diverse people of our country, thus enabling our government's mandate of a socially, financially and digitally inclusive society. I honor their service and I convey my greetings on behalf of my ministry to all those involved in common service centers and involved in serving the people across the country. Aaj desh ke kone kone mein 4 lakh se adhik CSCs hamare grameen bhaiyo aur behno ko kai prakar ki suvidhaye de rahe hain. मुझे विशेष खुशी है कि सीएससीज ने करीब 4 करोड़ भाइयों और बहनों को डिजिटल लिटरेसी में पारंगत बनाया है। मुझे विश्वास है आगामी दिनों में सीएससी और भी कई नए कार्यक्रम लेगी और देश भर में रोजगार तो पैदा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीण भाइयों और बहनों को कई तरह की नई सुविधाएं भी दी जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सीएससी की ये सफलता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों की सिद्धि की परिचायक है।